वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। तो आज हम देखेंगे नाना पाटेकर की मूवी है अटैक 2611। हमने इसी मूवी का शायद एक सीन देखा था जिसमें वो जिहाद के बारे में नाना पाटेकर बता रहे थे और वो बहुत ही अच्छा सीन था। एकदम उन्होंने ना रियलिटी बता दी और अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो लोग भी गलत मतलब समझते थे जिहाद के बारे में, सबको सच्चाई पता चल गई थी। बाकी देखते हैं कि इस मूवी में और हमें क्या देखने को मिलता है। तो प्ले करें। चलो सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? हमारे इंजन का बैग टूट गया है, थोड़ा मदद करो। कहाँ से हो भाई? कराची से। ट्रांसपोर्ट ट्रॉलर है हमारी, खराब मौसम की वजह से यहाँ पहुँच गए, मदद करो। कितने लोग हो तुम? 5 लोग हैं हम। और कोई है? नहीं। क्या हो रहा है? हम तो सिर्फ मछुआ रहे साहब। साइड में ले जाओ। ए, चल 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 मत मार। साइड में जा। सुनो चल, हम सिर्फ मछुआ रहे साहब। साहब चल चल उधर चल चल। हम तो मछुआ रहे साहब। साहब हम सब चाहिए तो हमारा आईडी चेक करो। बुला ले। आ जाओ। इन चारों को ले जाओ। देखो तुम्हें इन्हें मुंबई तक पहुंचाना है। उसके बाद सबको छोड़ देंगे। मेरे लोगों को छोड़ दो साहब, उनको मेरे साथ ही रहने दो। जो कह रहा हूं वो सुनो, इन्हें मुंबई तक पहुंचा दो, उसके बाद सबको छोड़ दो। मेरे लोगों को छोड़ दो साहब, सबको मेरे साथ रहने दो। हे रमेश बालू, पता नहीं समझ जा रहा है। एक तो मेरे ख्याल में वो इसको नाना पाटेकर पकड़ के वो बाकी ये जो सारे हैं ना वो नए बड़े गुस्से में लग रहे हैं। वही तो नहीं जिनकी लाशें भी पड़ी हुई थी। ये क्या है? परेशानी चल क्या रहा है? ये बच्चे
पानी जहाँ है वो खो गए अगर यहाँ से खामोश ही है अभी तो भाई अभी तो छोटे भी कुछ डर तो लग रहे हैं बेचारे खौफ में आ गए यार उसके चीरे पड़े पुलिस आ गई ये डंडे लेकर आए भाई उनके पास हथियार हैं तो सोच भी नहीं रहे ऐसे गोलियां अंधाधुंध चला रहे हैं कितने बेगुनाह लोगों को मार दिया दोस्तों ये 26/11 अटैक्स थे लेकिन भाई हमसे तो देखा ही नहीं जा रहा था इतना मतलब इन लोगों ने ये जो काम किया है ना भाई एकदम गलत है। मैं तो हैरान रह गया जब इन लोगों ने बोला कि हम कराची से आए हैं और वो बेचारे मछुआरे भी परेशान रहे कि भाई ये कराची वाले इधर भारत में आ गए और वो उनका सरदार उनके गाल पे हाथ लगा रहा है और पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही थी पर ये जैसे या अंदर आ गए और वो फैमिलीज बेचारी बैठी हुई थी खुश मतलब अपने घर बार की बातें कर रहे थे खा रहे थे एंजॉय कर रहे थे उनको क्या पता था कि अगले ही कुछ मोमेंट में सबकी मौत होने वाली है और इन लोगों ने जो जुल्म किया भाई बहुत मतलब घटिया ये काम था और मासूमों की जान ले ली। ये तो मूवी में हमसे नहीं देखा जा रहा तो दिल दहला देने वाला वाक्य था खतरनाक भाई ये सीन था क्या है बोले भाई मैं तो भाई देख नहीं पाया वो तो इतने सारे लोग आए थे अचानक से
जो उनका जो सरदार था उनको हाथ लगा रहे थे, वो इमोशनल लग रहा था उसका भी सरदार। जैसे ही वो मुंबई पहुंचे तो अचानक से रही है होटल में, जैसे घुसे फायरिंग शुरू हो गई अंधाधुंध, उन लोगों को बेगुनाह लोगों को इतने को मार दिया। तो ये तो अफसोस की बात है। बाकी ये जो अटैक हुए ना, ये नुकसान वाला, ये इंसानियत के जो खिलाफ है। बाकी ये तो बड़े जालिम लोग हैं, इनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे भी यार ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ, जैसे ही वो बोट से आए ना नाव से भाई, तो मुझे भी बड़ा उनको देखकर मुझे वहीं पर खौफ हो रहा था भाई, ये तो कुछ हो रहा है, ये लगा कर आ रहे हैं और ये मछुआरों को भी मार रहे हैं बिना रहम के भाई, ऐसे मुक्के मार रहे हैं। और फिर यहाँ जैसे ही वो स्टार्ट हुआ भाई, वो अंदर होटल में पहुँचे तो भाई अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, बच्चों को भी नहीं देख रहे, बस अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं भाई। हमें तो बड़ा डर लग रहा है, ये तो हमने पहला वाक्या देखा है, पता नहीं अब क्या होगा आगे। हमें तो भाई बोला भी नहीं जा रहा हमसे, हमारे होश उड़ गए ये सीन देखकर। बॉलीवुड वालों ने ये रियलिटी दिखाई है। और नाना पाटेकर भी इसी के बारे में बात कर रहा था ना कि तुम लोगों को जिहाद जो है गलत पढ़ाया गया है, कि ये जिहाद है ही नहीं, और इनके दिमाग का जो ब्रेन वॉश किया गया है कि जो जिहाद है जाओ उनको मारो और जन्नत मिलेगी, तो इन इसी लालच में इन लोगों ने ये काम किए होंगे। ये जिहाद है ही नहीं, ये मासूमों की जान लेना, एक इंसान की जान लेना, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। और ये तो हज़ारों इंसान है यार, इन सब के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत यार ये भयानक सा सीन था, हम अभी क्या बोलें। बाकी देखेंगे इसके और भी सीन्स देखेंगे, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत पता चले कि आखिर वक्त इंडिया में ये सब भी हुआ था, और फिर भी इंडिया देखो ना दोस्ती करना चाहता है। चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।